नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ये दुनिया कई तरह के रहस्यों, अजूबों और खूबसूरत जीवों से भरी पड़ी है, जो समय समय पर अपनी खूबसूरती से मनुष्य को लुभाते रहते हैं। संपूर्ण विश्व में पशु पक्षियों की लगभग 9 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं, जो रंग रूप व आकार में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु इनकी खूबसूरती में कुदरत का करिश्मा देखने को मिलता है, जो सदैव मानव को आश्चर्यचकित करते हैं। और इनमें से कुछ जीव जंतु तो इतने खूबसूरत होते हैं कि उन्हें अपने पास रख लेने को दिल जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं दुनिया के 10 खूबसूरत जानवरों के बारे में बताएंगे, जो पहली नज़र में ही आपको मोह लेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी नई वीडियोस की अपडेट आपको अपने फोन पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, सफेद बाघ। सबसे पहले वो खूबसूरत जानवर जो हमें आश्चर्यचकित करता है, वो है बंगाल टाइगर। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपने ऑरेंज बाघ बहुत देखे होंगे, पर सफेद बाघ का दिखना बहुत ही दुर्लभ है। ये सफेद बाघ इतने खूबसूरत लगते हैं कि मनुष्य इन्हें पहली बार देख ले तो देखता ही रह जाए। इनकी त्वचा के रंग के अलावा इनका शरीर भी काफी शानदार होता है। ये बंगाल टाइगर राशि, भव्यता और शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। बंगाल टाइगर भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु भी है। दोस्तों, 1900 के बाद अवैध शिकार की वजह से और जंगलों के नष्ट होने के कारण बाघों की जनसंख्या 1 लाख से घटकर 4000 से भी कम रह गई है, और सफेद बाघों की संख्या तो लगभग 200 ही बची है, जिनमें से 12 इंडिया में हैं। और यदि आप लोगों को इसे देखने का मौका मिला हो तो ये काफी किस्मत वाली बात होगी। हालांकि सफेद बाघ बाघों की एक अलग प्रजाति नहीं है, बल्कि इन्हें ये सफेद रंग ल्यूसिज्म नामक जेनेटिक बीमारी से मिली है। इसमें त्वचा की कोशिकाएं पिगमेंटेशन को रोकती हैं, जो रंग बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिनसे इन्हें सफेद रंग मिलता है। और यही सफेद रंग इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है, और ये अपने नस्ल के अन्य बाघों से अलग दिखते हैं। नंबर 2, मोर। दोस्तों, खूबसूरत जीवों की बात हो रही हो और मोर का नाम ना आए तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोर काफी खूबसूरत माने जाते हैं। ये मोर अपने शरीर पर मौजूद पंखों की वजह से बेहद आकर्षक लगते हैं। इनके पंखों में रेड, ब्लू, ग्रीन, गोल्डन और भी बहुत सारे दूसरे रंग मौजूद होते हैं, जो इसकी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों, सफेद मोर इस जाति के सबसे सुंदर जीव हैं। यदि आप इन्हें एक बार देख लें तो आप इनसे नजरें ही नहीं हटा पाएंगे। ये आपको आमतौर पर दिखाई तो नहीं देंगे, क्योंकि ये बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं। सामान्य रूप से आप इन्हें जू में ही देख पाएंगे। दोस्तों, सफेद मोर अपनी नस्ल की कोई अन्य प्रजाति नहीं है, बल्कि इन्हें ये सफेद रंग ल्यूसिज्म नामक बीमारी की वजह से मिलता है। दोस्तों, दुनिया भर में मोर की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 2 तो लगभग एक जैसी दिखती है और 1 थोड़ी सी अलग। इनमें से 1 है ब्लू पीकॉक, जो बहुत ही सामान्य रूप से प्रचलित है, और मोर की जब भी बात होती है तो हमारे दिमाग में इसी की छवि बनती है। यह ब्लू मोर सिर्फ इंडिया और श्रीलंका में पाया जाता है। और दूसरा मोर है ग्रीन पीकॉक, जो इंडोनेशिया, जावा और बर्मा में पाया जाता है। इस मोर में बस यही अंतर होता है कि इसके शरीर पर ब्लू के बजाय ग्रीन रंग की प्रधानता अधिक होती है। और तीसरा मोर है कॉन्गो पीकॉक, ये अफ्रीकी महाद्वीप के रेन फॉरेस्ट जंगलों में पाया जाता है। ये मोर अपने नस्ल के दूसरे मोरों से बिल्कुल अलग दिखते हैं, और इनके पंख भी बेहद छोटे होते हैं, पर इससे इनके सौंदर्य में कोई कमी नहीं आती। नंबर 3, मैकाउस। दोस्तों, अगर आप एक पक्षी प्रेमी हैं तो अब तक आप इसकी सुंदरता को तो समझ ही गए होंगे, लेकिन अगर आप एक पक्षी प्रेमी नहीं भी हैं, फिर भी आप इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। ये उन पक्षियों में से हैं जिसकी सुंदरता और सहजता को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। इन्हें सबसे आकर्षक और मासूम पक्षियों में से एक भी माना जाता है। ये खूबसूरत पक्षी आपको लैटिन अमेरिका के जंगलों में ही देखने को मिलेंगे, हालांकि आप इन्हें जू में भी देख सकते हैं। दोस्तों, यह पक्षी एक तरह का तोता है, लेकिन दोस्तों, आप इसे केवल एक रंग में नहीं बल्कि कई रंगों में देख सकते हैं। ये येलो, ब्लू, रेड, ऑरेंज और भी कई रंगों में देखे जा सकते हैं। इस खूबसूरत पक्षी को लोग पालतू जानवर की तरह भी रखते हैं। इनकी लंबाई 1 मीटर तक होती है, जो इन्हें तोतों की प्रजाति में सबसे लंबा बनाती है। ये अपने चटकदार रंगों की वजह से हमेशा आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। नंबर 4, सफेद शेर। दोस्तों, वैसे तो शेर अपने आप में ही एक खूबसूरत और शानदार जानवर है। ये शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सफेद शेर के बारे में सुना है?
सफेद शेरों का दिख पाना बहुत ही मुश्किल है। यह शेर इतने आकर्षक लगते हैं कि इन्हें पहली बार देखने से ये नकली से प्रतीत होते हैं। ये सफेद शेर ल्यूसिज्म नामक जेनेटिक बीमारी की वजह से सफेद दिखते हैं, जो इन्हें बेहद खूबसूरत और सामान्य शेरों से अलग बनाता है। परंतु अपने सफेद रंग की वजह से इनका जंगल में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जंगल में सफेद रंग आसानी से नजर आ जाता है और इसी वजह से ये खुद को जंगल में छिपा नहीं पाते और इसी कारण आसानी से शिकार भी नहीं कर पाते। इसीलिए ये वहाँ भूख से मर जाते हैं और शिकारी भी हमेशा इनकी तलाश में रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1994 के बाद से अब तक एक भी सफेद शेर किसी भी जंगल में नहीं देखा गया है। इसीलिए इनकी नस्ल को बचाए रखने के लिए इन्हें जू में सुरक्षित रूप से रखा जाता है। ये शेर न्यूजीलैंड, कनाडा, मैक्सिको, इंडिया, फ्रांस और खास तौर पर साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। अपने सफेद रंग की वजह से ये दुनिया के महंगे जानवरों में भी शामिल है। नंबर 5, मैंडरिन फिश। दोस्तों, समुद्र बहुत ही विशाल है और ये कभी ना खत्म होने वाली दुनिया है। मनुष्य अभी समुद्र और उसके जीवों के बारे में जितना जान पाया है, वो भरे हुए पानी में एक बूंद के बराबर ही है। समुद्र को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए मनुष्य को न जाने और कितने जन्म लेने होंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, हमारे स्कूबा डाइवर्स इस समुद्री दुनिया से आए दिन कुछ ना कुछ नया खोज लेते हैं, जिनमें से एक है मैंडरिन फिश। दोस्तों, मैंडरिन फिश को सबसे खूबसूरत मछलियों में शीर्ष पर रखा जाता है। ये अपने शानदार रंगों के कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत ही अलग और आकर्षक लगती है। इनके रंगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये अलग ही दुनिया से आई है। इनके ये चटकदार रंग पानी में चमकते हैं और ये आपका ध्यान अन्य जीवों के बीच भी आकर्षित कर लेगी। दोस्तों, ये मछली अपने इन्हीं आकर्षक रंगों की वजह से दिन में छुपकर रहती है ताकि ये अन्य शिकारी जीवों से बच सके और रात में खाने की तलाश में निकलती है। मैंडरिन फिश फोटोग्राफर द्वारा दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली मछली भी बन चुकी है। ये मछली ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और फिलीपींस के समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है। नंबर 6, फ्लेमिंगो। दोस्तों, बात खूबसूरत जीवों की जा रही हो और उसमें फ्लेमिंगो को शामिल न किया जाए तो ये लिस्ट अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, फ्लेमिंगो दुनिया के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है। इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। फ्लेमिंगो दुनिया भर में अंटार्कटिका को छोड़कर केसरिया, गुलाबी और सफेद रंग में पाए जाते हैं। इनके गजब के गुलाबी और केसरिया पंख इनकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। इनके हितैषी स्वभाव के कारण इन्हें खुशी, प्यार और मस्ती का प्रतीक भी माना जाता है। जीवन भर में इनका एक ही साथी होता है और ये हर साल केवल एक ही अंडा देती है, इसीलिए इन्हें लोग प्रेम के प्रतीक के रूप में भी देखते हैं। फ्लेमिंगो हमेशा कॉलोनीज में रहते हैं और ये कॉलोनीज हजारों की संख्या में भी हो सकती है। ये फ्लेमिंगो इतने खूबसूरत दिखते हैं कि आप इनकी तारीफ के बिना नहीं रह पाएंगे। अगर आपको इनकी खूबसूरती देखकर इन्हें सच में देखने का मन कर रहा हो तो आप इन्हें जू में जरूर देख पाएंगे। इस पक्षी को ईश्वर से भी जोड़ा जाता है, जो इनकी सुंदरता और कोमलता को दर्शाता है। नंबर 7, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। दोस्तों, आपने मेंढक तो बहुत देखे होंगे, पर खूबसूरती में पॉइजन डार्ट फ्रॉग का मुकाबला अन्य मेंढक नहीं कर सकते, इसीलिए ये हमारी आज की लिस्ट में शामिल है। ये मेंढक कई रंगों में पाए जाते हैं, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो, और इनका ये रंग बहुत ही ब्राइट होता है, जिसकी वजह से ये पहली नजर में ही आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। इनकी खूबसूरती देखकर आपका मन इन्हें छूने को करेगा। पर दोस्तों, सावधान, इन्हें छूने की गलती कभी ना करें, बल्कि इन्हें देखते ही उल्टे पैर दौड़ जाएं, क्योंकि जैसा कि दोस्तों आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि ये दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, आपको यह सुनकर हैरानी जरूर हुई होगी कि मेंढक और जहरीला, पर यह सच है। इस छोटे से मेंढक के शरीर और त्वचा में इतना जहर होता है कि इससे 10 लोगों की जान एक बार में ही जा सकती है। इनको गलती से भी टच कर लिया गया और अपने उसी हाथ को मुंह पर लगा लिया गया तो ये एक टच भी आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए काफी है, क्योंकि इसके जहर का असर सीधे दिल पर पड़ता है। अगर कोई शिकारी जानवर भी इसे गलती से खा ले तो उस जानवर की नसें काम करना बंद कर देती हैं, जिससे वे धीरे धीरे पैरालाइज होने लगता है और अंत में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, आपने एक बात तो अपने जीवन में जरूर नोटिस की होगी कि जिन भी जीवों को प्रकृति ने बहुत चटकदार या ब्राइट कलर दिया है, उनमें से ज्यादातर जानवर खतरनाक ही होते हैं। बायोलॉजी भी यही कहती है। ये मेंढक खास तौर पर सेंट्रल अमेरिका और साउथ अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। नंबर 8, वुड डक।
दोस्तों आपने सफेद कलर की बत्तखें तो बहुत देखी होंगी। वो अपने आप में ही एक खूबसूरत जीव है, पर रंगीन बत्तखों का दिखना कोई आम बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वुड डक की। ये दुनिया के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है। इनका शरीर काफी रंगीला और आकर्षक होता है। यदि दोस्तों आप इन्हें पहली बार देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये नकली है और प्लास्टिक का कोई खिलौना है। यही बात इसकी खूबसूरती को दर्शाती है। दोस्तों वुड डक की एक खास विशेषता यह भी है कि यह अन्य जलीय पक्षियों की तरह पानी में तो रहती ही हैं, पर ये अपना घोंसला पेड़ों के छेदों में बनाती हैं और इसी वजह से इन्हें वुड डक कहा जाता है। ये हमेशा झुंड में रहती है। वुड डक उत्तरी अमेरिका के दलदली और जलीय इलाकों में पाई जाती है। यदि आपका कभी वहाँ जाना हो तो इन बत्तखों को देखने का प्रयास जरूर करें, ये आपका मन मोह लेंगी। वैसे आप इन्हें जू में भी देख पाएंगे। नंबर 9, फ्रिजन हॉर्स। दोस्तों इतिहास में घोड़ों ने सदियों से इंसान के जीवन में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आपने भी कई रंगों के घोड़ों को देखा होगा, लेकिन फ्रिजन हॉर्स की खूबसूरती उसे बाकी अन्य घोड़ों से अलग बनाती है। दोस्तों फ्रिजन हॉर्स का पूरा शरीर एक ही रंग का होता है, जबकि बाकी घोड़े आमतौर पर कई रंगों के शेड्स में आते हैं। ये घोड़े दुनिया के पालतू जानवरों में से एक हैं, जो आज भी सरवाइव कर रहे हैं। इस प्रजाति के घोड़े केवल और केवल नीदरलैंड में पाए जाते हैं। इनकी परफेक्ट बॉडी और आकर्षक लुक की वजह से इन्हें रॉयल हॉर्स भी कहा जाता है। ये घोड़े दुनिया भर में नीदरलैंड से रेसिंग और हॉर्स राइडिंग के लिए एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इन घोड़ों को अमीर लोगों द्वारा महंगे दामों पर खरीदा जाता है। पर दोस्तों इस प्रजाति के घोड़ों की संख्या पिछली सदी में बहुत तेजी से गिरी है। लगातार अवैध शिकार की वजह से इनकी जनसंख्या घटकर इतनी कम हो गई है कि अब सरकार द्वारा इनके संरक्षण हेतु इनके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नंबर 10, गोल्डन फिजेंट। दोस्तों इसे देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये आज की लिस्ट में क्यों शामिल है। दोस्तों ये दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में शामिल है। आमतौर पर आप सभी ने वैसे तो तीतरों के बारे में सुना ही होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपने इन्हें देखा ना हो या आपको इनके बारे में कोई जानकारी ना हो। दोस्तों दुनिया में तीतर तो बहुत है, पर सुनहरे तीतर की बात ही कुछ और है। इस तीतर की खूबसूरती और इसका सुनहरा रंग इसके सौंदर्य में चार चांद लगा देता है। इनके पास सुनहरे रंग का बेहद चमकीला और आकर्षक ताज होता है, जो इनके सर पर मौजूद बालों से बनता है। और ये किसी राजा से कम नहीं दिखते। इनके शरीर का रंगीलापन और उनकी लुभावनी पूंछ इन्हें और भी खूबसूरत बना देती है। इनके गले पर पड़ी काली धारियां इनके सौंदर्य को और भी निखारती है। दोस्तों अगर आप इसकी खूबसूरती देखकर मोहित हो गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। ये सुनहरे तीतर आमतौर पर पश्चिमी और मध्य चीन में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये आपको जू में भी देखने को मिल सकेंगे। तो दोस्तों यदि आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रकृति ने केवल इंसानों में ही नहीं कण कण में खूबसूरती दी है, बस उसे पहचानने की देरी होती है। और दोस्तों सुंदरता मापने का पैमाना रंग रूप के बजाय भोलापन, मासूमियत और व्यवहार होना चाहिए। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। मैं अनुपमा कुमारी मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाए रखिए। धन्यवाद।